हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? सो लिटरली बीजीएमआई को प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो अनएक्सपेक्टेड M416 फूल था वो फाइनली गेम के अंदर आ चुका है। और इधर हम लोग क्लिक करेंगे क्रेट में। अब देखो, क्रेट का जब मैं बात करता हूँ तो हमेशा आप समझ लेना कि स्पिन से थोड़ा कम ही चांस है कि आपको कुछ अच्छा आइटम मिले, ठीक है। बट एक चीज़ आप नोटिस करना, ये जो क्रेट है ना, ये प्रीमियम लेवल का क्रेट है, क्योंकि इधर आप देख पर 3 अपग्रेडेबल गन आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें से सबसे मोस्ट डिमांडिंग M416 फुल भी आ चुका है, जो कि काफ़ी लोगों को पसंद है और ये निकालने के लिए जाने वाले। उसके साथ साथ आप देख पर फुल थीम का आपको स्कारल देखने को मिल रहा है, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्किन है। इसका मैक्स फॉर्म देख लो, इसका किल फीड भी काफ़ी ठीक ठाक सा है। और उसके साथ साथ आप देख पा रहे हो UMP का भी स्किन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एपिक कैटेगरी का है। और अगर आपको गन से मन नहीं भरा तो भाई OG फुल सेट भी यही क्रेट में डाल दिया गया, और ये सबसे पुराना बोल सकते हो फुल सेट है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। इसका इमोट वन ऑफ द बेस्ट इमोट आप बोल सकते हो गेम के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप देख पा रहे एक और फुल सेट आपको देखने को मिल रहा है, और ये भी इसी क्रेट में डाल दिया गया। और इसके अलावा भी काफ़ी अच्छा अच्छा आपको चीज़ें देखने को मिल रहा है। अब देखो, ये क्रेट तो काफ़ी अच्छा है, बट इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो उतना खास नहीं है, क्योंकि इसमें आपको दिखाई दे रहा विश सिस्टम डाला गया। अब देखो, विश सिस्टम का सबसे बड़ा जो खराबी है वो ये है कि इसमें कुछ भी चीज़ें विश करते हो तो ये गारंटी नहीं होता है कि आपको वो आइटम मिल ही जाएगा, वो जस्ट चांसेस बढ़ाता है आपका मिलने का हर एक ओपनिंग में, ना कि कंफर्मेशन आपको देता है कि भाई वो चीज़ आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आप M416 फुल को विश में डालते हो, ये कंफर्म नहीं है कि भाई आपको नेक्स्ट वाला जो स्पिन करेगा उसमें आपको M416 फुल मिलेगा, वो जस्ट थोड़ा चांस बढ़ाएगा। मान लो अभी जो चांसेस है, करंट चांसेस है 0.05% कि आपको नेक्स्ट वाला क्रेट ओपनिंग में मिल जाए, बट अगर आप थोड़ा विश करोगे तो उसका जो 0.05 है ना, वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, मान लो 0.08, बट कंफर्म नहीं है कि आपको मिलना ही है, ठीक। ये ट्रैप में मत फंसना कि आपको मिलेगा ही। अगर आप चाहते हो फोन निकालना तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, बट क्रेट में थोड़ा सा मिलने का चांसेस कम रहता है एज कम्पेयर टू स्पिन, ठीक है। तो मैं तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आपके ऊपर चॉइस, अगर लेना चाहते हो ले लो, नहीं तो नेक्स्ट वर्जन में हम लोग का मम्मी M416 आने वाला, जो कि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये वीडियो आप चेकआउट कर लेना, जो कि स्पिन का फॉर्मेट में आएगा और इससे जल्दी मिलने का चांसेस रहेगा। और उसके साथ साथ M762 भी आ रहा और AKM भी आ रहा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मेरे पास M416 फुल तो है और कोई खास मुझे ये वाला क्रेट से चाहिए नहीं, मेन जो चीज़ है वो तो अवेलेबल है मेरे पास भी। चलो फुल को ही इसमें डाल के रखता हूँ, अगर फुल मिल जाता वापस से तो 3 मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। और देखो, ये काफ़ी महंगा है, क्योंकि 60 UC का पहला स्पिन है, ऐसा नहीं कि 12-13 UC में आपका पहला स्पिन मिलेगा, नहीं। चलो मैं थोड़ा सा स्पिन करके दिखा देता हूँ, मिलने का देखो पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर है और ज़्यादातर चांसेस है कि यही सब चीज़ मिलेगा, ठीक है। चलो देख लेते हो, देखना क्या मिलता है, मैं दिखाने के लिए आपको कर रहा भाई, आप समझ गया ना किस तरह का एक क्रेट है। बस इतना ही करना था आपको, मैं दिखाना चाहता था। देखो ऐसे ही होता है, ऊपर केवल विश का परसेंटेज बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि आपको मिलना ही है, ठीक है। और मैंने इसमें ओपन करने वाला उसका जगह मैं दूसरा जगह स्पिन कर दूंगा ना, ज़्यादा बेटर होगा। चलो इसमें भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, उसमें मैं फुल में नहीं करने वाला, मेरे पास एम्पोर फुल है तो मैं वेस्ट नहीं कर रहा अपना UC। और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको चाहिए चाहिए तब जाओ, नहीं तो भाई उसको स्किप करो, देखने में काफ़ी अच्छा मिलेगा, कुछ भी नहीं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ये अल्टीमेट सेट वाले स्पिन कर लेते हैं, चलो एक बार इसको कर लेते हैं, ओके पेंट, और एक्सूट भी एक बार कर लेते हैं। पेंट मिल गया। देखो गाइस, मैं आपको दिखा दिया M416 फुल का कैसा सीन होने वाला, खैर उसको हम लोग साइड में रखते हैं। आज हम लोग का 3.2 का सेकेंड फेज का बीटा वर्जन का अपडेट आने वाला है, और इधर आप देख पा रहे हो ये बीटा वर्जन 3.2 का शेड्यूल आपको देखने को मिल रहा है। जो पहला वाला जो फेज था उसमें जितना भी चीज़ आया था मैं अलग अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेकेंड फेज जो है वो 18 तारीख मतलब आज से स्टार्ट होगा और 24 तक चलने वाला, और 25 को थर्ड फेज आएगा और 8 तारीख तक चलेगा, मई तक। और उसके बाद आप देख पा रहे जो चौथा फेज है, आखिरी फेज है, वो हम लोग का आने वाला है 9 मई को, और 14 मई को हम लोग का वो जो फेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को बोल सकते हो पबजी मोबाइल के अंदर 3.2 का अपडेट देखने को मिलेगा, और उसका कुछ वीक बाद आपको BGMI के अंदर भी अपडेट देखने को मिल जाएगा 3.2 का, ठीक है। अभी एक्सपेक्टेड डेट मुझे नहीं पता, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा।
आज का अपडेट है मेनली जो हम लोग का जो मोड आने वाला है उसमें काफी सारे चेंजेस होगा। जो जो चीज ग्लिच आपको देखने को मिला था प्रीवियस वाला वर्जन में वो सब चीज चेंजेस होने वाला है, और उसके साथ साथ कुछ बेसिक कॉम्बैट इंप्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा जो कि मैं आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। बट इसमें देख पा रहे इसमें लिखा हुआ इन गेम मार्कर, तो एक्चुअली ये चीज काफी इंटरेस्टिंग होगा। जिससे आपको पता है कि अगर आप कोई भी चीज को मार्क करते हो, स्पेशली एमओ को अगर आप मार्क करते हो, कभी कभी आपका दोस्त मजाक से आपका 5 या 10 एमओ को गिरा के उसको मार्क करता है, तो वो आप दौड़ते वो एमओ को लेने जाते हो, फिर पता चलता है केवल 10 या 20 ही एमओ है। वो चीज़ अभी क्या होगा कि आप जब मार्क करोगे ना तो आपको क्वांटिटी भी दिख जाएगी, कितना क्वांटिटी अवेलेबल है वो सामान का, और वो जाके आप अगर चाहोगे तब जाके आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक नया चीज़ है जो कि क्वांटिटी आपको दिखा दे कितना क्वांटिटी अवेलेबल है, खासकर ये एमओ में काम आएगा स्पेशली। तो अभी एक और नया चीज़ है कि एरिना मोड का कोई अगर लेआउट है तो उसको आप इजीली क्विक कॉपी कर सकते हो क्लासिक मोड के लिए, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। ऑटो पिकट का तो मैं बता दिया था, ये काफ़ी यूजफुल फीचर है और ये वर्जन में अभी अप्लाई होने वाला सेकेंड फेज में। देखिए लिखा हुआ, यू कैन नाउ चूज वेदर द डिस्कार्ड और पुट योर प्रीवियस मिली वेपन इनटू अ बैकपैक आफ्टर पिकिंग अप अ न्यू वन। तो ये चीज़ें बताया था कि अभी क्या होता है 3.1 वर्जन में कि अगर आपके पास नाइफ है, आपको मान लो मिली वेपन मिल जाता है, पैन मिल जाता है, तो क्या होता है कि पैन पिकअप हो जाता है ऑटोमेटिकली, और जो आपका बोल सकते हैं नाइफ है ना वो बैकपैक में आपका स्पेस लेता है। तो अब ये होगा कि अगर आप वो बटन को ऑन कर दोगे ना तो अगर आप पैन उठाते हो तो आप बोल सकते हो कि हम लोग का जो नाइफ है वो गिर जाएगा, और अगर आप नाइफ उठाते हो तो आपका पैन जो है वो गिर जाएगा बाहर, बैकपैक में नहीं रहने वाला। ठीक है, तो ये चीज़ प्रैक्टिकली हम लोग देख लेंगे जैसे ही बीटा का अपडेट आएगा, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली आपको पता है बीटा का अपडेट आएगा तो उसमें लीक्स भी निकलेगा, नया अपडेट का और भी लीक्स निकलेगा A7 रॉयल पास का। ठीक है, चलो इतना रखते हैं वीडियो का, थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नेक्स्ट डे, टेक केयर, बाय बाय।